अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत हेल्दी सा सलाद जो कि प्रोटीन से भरपूर है। वेजिटेबल आपको पता है क्या कमाल करती हैं। चलें चलते हैं इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले जिसके लिए हमें चाहिए एक बॉल, उसके अंदर हम डालेंगे एक फाइन सा बॉल है, ये बड़ा ही मज़े का टेस्ट, मज़े का और हेल्दी भी है। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 लेमन जूस। विनीगर नहीं हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि हमने लेमन यूज़ ही करना है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। 1 चम्मच हम हनी इसके अंदर ऐड करेंगे, आप अपने मुताबिक जितना मर्ज़ी डालें, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी मेरे पास क्वांटिटी थी उसके लिए बेस्ट था। हनी इसके अंदर हमने 1 चम्मच डाल दिया। ये हम इसकी ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं सैलड की। 1/2 चम्मच इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। इन सब चीज़ों को मैं पहले मिक्स करूँगी, बगैर स्किप करके देखिएगा, हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे, ठीक है? चलें जी, इसको जब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ना, जब ये सारी ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच भर के ओलिव ऑयल के। हेल्दी प्रोटीन से भरपूर सलाद है जो कि हर बंदा खा सकता है, और डाइट करने वालों के लिए तो बेस्ट सैलड है। इसको खाएँ और हेल्दी हो जाएँ। इसके लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं, वेजिटेबल आपके सामने ली हैं। ये ऑप्शनल वेजिटेबल हैं, जो आपका दिल करे आप वो यूज़ कर सकती हैं, जिस तरह आपको खाना पसंद है, ठीक है? आप वो यूज़ करें। चने इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, लोबिया यूज़ करें, कॉर्न यूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चले जी, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बोल ले लेते हैं, बोल के अंदर हम ये फुल हेल्दी डाइट प्रूफ सैलड तैयार होने जा रहा है, और वेट लॉस तो परफेक्ट है इसके साथ, ठीक है? और इसका जायका जूसी जूसी सा है, ड्राई बिल्कुल नहीं होगा। चले जी, हमने खीरे डाल दिए, गाजर डाल दी इसके अंदर, बंद गोभी मैंने डाल दी। मैंने कटिंग देखी इस हिसाब से की है, ऐसे प्यारी लगती है। जैसे आपको पसंद है वैसे कर लें। सब्जियां ऑप्शनल हैं, जो जो दिल करता है आप इसके अंदर डालें, आप इसके अंदर कॉर्न डालें, लोबिया डालें, जो जैसे आपकी मर्ज़ी है डालें। मैंने आज चने के हिसाब से इसको बनाया, तो मैंने चना यूज़ किया, चना सैलड बना दिया। ये ड्रेसिंग इसके ऊपर डालेंगे। एक चीज़ आपने जहन में ज़रूर रखनी है कि जब भी किसी सैलड को तैयार करें उसकी ड्रेसिंग पहले सेपरेट रख लें। जब भी सर्व करने का टाइम आए ना, तब डालें, तो वो ड्रेसिंग ज़्यादा उसका फ्लेवर देगी। क्योंकि अगर हम पहले पे उसमें डाल के रख के फ्रिज में रख देंगे ना, तो वो सारी सब्जियां पानी छोड़ देंगे, और सारी जो हमारी ये ड्रेसिंग होगी वो नीचे चली जाएगी, सब्जियां सिंपल सी वॉश होकर ऊपर पड़ी रहेंगी। हमेशा लास्ट पे डालना है, फ्रिज में रखने के बाद जब निकालें तब उसके अंदर डालें। ये बहुत ही मज़े का सलाद है, खुद भी खाएं, अपने बुज़ुर्गों को भी बना के दें, घर में फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाएं, और डाइटिंग करने वाले के लिए तो कमाल है। बनाएं, खाएं, मज़े करें। लास्ट में सलाद के पत्ते हैं जो मैं ऊपर डाल रही हूँ, इसके अंदर भी मैंने डाले और इसके ऊपर भी डाल रही हूँ, ड्रेसिंग को खूबसूरत करने के लिए, सर्विंग को खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में नई नई रेसिपी के साथ। बहुत कितना कलरफुल है, शानदार, खूबसूरत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।